आलू को काट कर अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब इसको उबालूंगी और अब इसको मैं उबाल रही हूँ, गैस पर चढ़ा दी हूँ। मैं आलू को अच्छी तरह से मैश कर ली हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डाल रही हूँ। चावल को मैं अच्छी तरह से पीस ली हूँ, अब इसमें इनो डाल के और 5 मिनट रखूंगी। इसको अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से ढक के रख दे रही हूँ 5 मिनट के लिए। और अब मेरा तेल गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल रही हूँ, और अब मैं इसको अच्छी तरह से चला रही हूँ। और अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा मरी जीरा, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, मैश किया हुआ आलू डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा मूंगफली डाल देते हैं। आलू का चूखा फ्राई हो गया अच्छी तरह से, और इसको निकाल रही हूँ। कुकर में पानी बैठाई हूँ और अब मेरा कटोरी भी तैयार हो गया है, इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए मेरा कटोरी इडली बन के तैयार है।